खरगोन जिला मुख्यालय से 30 किलोमीटर दूर ग्राम डोंगरगांव में लंपी वायरस से अपने गोवंश की सुरक्षा हेतु ग्रामीणों द्वारा टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। पाटीदार युवा संगठन डोंगरगांव के युवा साथियों द्वारा ग्रामीणों को बीमारी के प्रति जागरूक करते हुए आपस में सहयोग राशि एकत्रित कर पशुओं में होने वाली इस गंभीर बीमारी के टीकाकरण के लिए दवाई उपलब्ध करवाई गई। ग्रामीणों के अनुसार प्रशासन द्वारा टीकाकरण की व्यवस्था सुनिश्चित करने में कहीं देर होने से बीमारी गांव में प्रवेश न कर जाए और पशुधन को हानि पहुंचे, इसलिए ग्रामीणों द्वारा स्वयं के खर्चे से ही दवाई खरीदकर टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। ग्राम के उपसरपंच मुकेश पाटीदार ने बताया कि गांव में 25 से 30 युवा साथियों की टोली पिछले 3 दिन से गांव के प्रत्येक खलियान में पहुंचकर टीकाकरण कर रही है। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। हम ग्राम डोंगरगांव के नागरिक सभी मिलकर लंपी वायरस के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, जिसमें हमारे गाँव के नवयुवक बंधुओं ने, जो युवा वर्ग है, उन्होंने आगे आकर पहल की और टीकाकरण के लिए थोड़ा थोड़ा कलेक्शन करके हमने वैक्सीन के लिए इंदौर अप्लाई किया और हमें वैक्सीन मिली, जिसके चलते हमने ग्राम डोंगरगांव में 1700 से 1800 मवेशियों को टीकाकरण कर दिया है। मात्र 20 से 25 मवेशी रह गए हैं जो खेत में काम के लिए चले गए थे, तो उनको भी अभी हमने पूर्ण टीकाकरण कर दिया है। और मेरे जिले के सभी किसान भाइयों से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि अपने मवेशियों पर ध्यान दें, गौ माता को बचाए, अपने नंदियों को बचाए और जल्द से जल्द टीकाकरण कर लंपी के खिलाफ जंग लड़ेंगे। हाँ, हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।